तो जनाब एंजॉय करें कुछ सिनेमैटिक शॉट्स, तो मैं आपको मिलता हूँ, आइए और सुनाता हूँ स्टोरी। Assalamualaikum guys, as you know I am Hamza Mukaddas, so welcome back to another video. So आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, ठीक है। आपको मैं एक नई प्लेस पे ले जाऊंगा, वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस, और मतलब विलेज टाइप की है। तो हम एक फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, तो अभी हम जाएंगे, मैं एक दो फ्रेंड्स का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। वो जैसे ही आते हैं तो मैं बाहर निकलता हूँ, तो आज मेरे साथ रहिए, मैं आपको बहुत ही शानदार व्लॉग शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो जनाब अभी मैं बाहर रोड पर आ गए हूँ, ठीक है। उन मेरे फ्रेंड ने मुझे काफ़ी ज़्यादा वेट करा दिया, लेकिन अभी क्या करें, तो मैं आप लोगों के साथ रास्ता भी शेयर करूँगा कि हम किधर जा रहे हैं, ठीक है। मैं हूँ और मेरे साथ दो फ्रेंड्स और हैं, वो बाइक पे आ रहे हैं, वो सदर बाज़ार से आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये, हमने जाना है ये नागुमान विलेज है, जहाँ पर मेरा फ्रेंड का घर है, ठीक है। तो उससे मिलेंगे और वहाँ का व्यू भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं अभी आपको कुछ रोड डिटेल भी बता देता हूँ, ठीक है, कि हमने कौन सा रोड लेना है। ये अभी मैं रिंग रोड पर हूँ और रिंग रोड क्रॉस करके हमने 400 रोड लेना है। अच्छा, तो जनाब ये ऊपर रिंग रोड, ठीक है, और ये नीचे जो है 400 रोड। अभी मैं रोड क्रॉस करके उस साइड पर खड़ा हो जाऊँगा जहाँ पर मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा वेट कराया उसने मुझे, लेकिन क्या करें, वेट करना भी अच्छी बात है। चलो, किसी का इंतज़ार जो है ना, ये बहुत इंसान को मार देती है। तो मैं 2 घंटे से उसका वेट कर रहा था, तो अभी वो आएंगे, मैं उस साइड पर उनका वेट करता हूँ, फिर अभी भी कंफर्म पता नहीं है। तो ये 400 रोड, अभी ये रोड हम लेंगे और सीधा नागुमान विलेज की तरफ जाएंगे। तो मैं यहाँ से रोड क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, ये मेरा स्टॉप है, ठीक है। यहाँ से मैं रोज़ जो है ना यूनिवर्सिटी के लिए BRT की बस लेके, BRT की बस का स्टॉप भी है, लेकिन हमने थोड़ा सा आगे जाना है और उसका स्टॉप जो है ना उधर नहीं है। तो अभी हम रोड क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है, और उस साइड पर मैं खड़ा हो जाता हूँ, ट्रैफिक देखते हैं। तो मैं आपको रोड क्रॉस करके मिलता हूँ, ठीक है। ये तो बख्तावर यार, करे ये आईफोन नहीं दिखा रहा, ये बंदा 4 घंटों से रेडी नहीं हो रहा था, जालिम ना हो। चलो, थैंक यू यार, शुक्रिया। चलो चले यार, ये हमारी होंडा सिविक। ओहो यार, सैफुद्दीन, मैं आपके साथ बैठूंगा। तो जनाब, दिस इज द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान, सो एंजॉय दिस शॉर्ट ट्रैवल आल्सो, सो आई विल मीट सून इन द व्लॉग। आपको रास्ता नहीं पता? नहीं, आपको रास्ता नहीं पता? चार साल पहले आए थे, रास्ता भी नहीं पता। ये अभी हम इस रोड से जा रहे थे, अभी रास्ता नहीं पता था, रुक गए। ये अमरूद से पंजाबी भी होता है। ये हमारा दोस्त अपने लिए केले ले रहा है। अभी हमने यहाँ से लेने हैं माल्टे, सैफुद्दीन इसे माल्टे बोलते हैं, सैफुद्दीन इसे माल्टे बोलते हैं। ये माल्टा है यार, मैं आज तक ये बात नहीं समझे, ये माल्टा किसे कहते हैं, फ्रूटर किसे कहते हैं यार, मुझे ये समझाओ। ए दापो सुवर के ये 50 दर्जन, ये 50 के किलो दे रहा है, किलो। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ, दर्जन। ये 50 के कितने यार, बता ना कि पता तो लगे ना। अरे कदा सिंह जी बोला बोल रहा, ये लो यार, आपका हो गया, वापस के था ठीक है ना। अच्छी मैं 100 का नोट दे। माशाल्लाह, सैफुद्दीन ने बड़ी शॉपिंग कर ली है यार, अल्हम्दुलिल्लाह, इसने पूरे साल में भी नहीं की है। सैफुद्दीन, ये लो यार आपको, ये लो आप।
तो जनाब बस अभी हम फिर से ट्रेवलिंग कर रहे हैं, थोड़ा ही रास्ता रह गया है और ये शेखुद्दीन भाई को रास्ता पता नहीं है, कभी इधर जा रहे हो कभी। हम जिस स्कूल को ढूंढ रहे थे वो सामने है और ये आगे निकल गया था, फिर से पीछे आया है, अभी हम यहाँ से फिर जाएंगे। मुझे छोड़ दिया यार आप लोगों ने, चलो माशाल्लाह। ये लगता नहीं है कि ये यार विलेज टाइप का एरिया है, काफी आबादी हो गई है, काफी आबादी हो गई है। कम से कम 4 साल पहले मैं आया था यहाँ पे, आज से कम से कम 4 साल पहले मैं यहाँ आया था, कुछ भी नहीं था इधर, ये सारी आबादी जो है सारी नई पॉपुलेशन है, लेकिन खामोशी बहुत है यहाँ पे। जी बिल्कुल। ये हमारा इंजीनियर भाई सामने जा रहा है होंडा सिविक पे, इंजीनियर वकास साहब, इंजीनियर वकास साहब जा रहे हैं, अभी हम इसे फॉलो कर रहे हैं कि ये कहाँ जाएगा। ओहो हो, ये देखिए भाई पाकिस्तान की ब्यूटीफुल एरियाज। शेखुद्दीन भाई आप भी कुछ कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हैं, आप बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं भाई। वकास भाई को फॉलो करते हुए हम, ये हमारे बेस्ट क्लास फेलोज हैं यार। यार जब मिलेंगे दो दीवाने खूबा, वो किस तरह यार, अंदर ये अभी हम इधर बाइक खड़ी कर लेंगे एक बार फिर यार। अस्सलाम वालेकुम, इधर बैठ जाओ, मैं कमरे का चाबी लेके आता हूँ, ठीक है ना? इधर बैठ जाओ, आ जाओ यार, इधर बैठ जाते हैं यार। कितनी खामोशी है यहाँ पे यार, सुकून बंदे को मिलते है। विलेज में तो गांव हूँ, तंग तो विलेज में नहीं, गांव शहर में। सॉरी यार, शहर में ये गांव और शहर में कितना फर्क है यार। ये देखो चिड़िया की है, चुप सुन रहा हूँ, चुप परवंदे की आवाज़ें सुनो। अरे हाय हाय, शेखुद्दीन भाई आज वो बैठ जाते हैं यार। शिव भाई आप क्या कहना चाहोगे विलेज लाइफ के? पहले मैं बाल तो ना बिली के ये भाई के भाई, हाँ खैर दे दूंगे पे। मुझे ये बताओ विलेज लाइफ बेस्ट है या सिटी लाइफ? विलेज लाइफ बेस्ट है या सिटी लाइफ? वेदर के लिहाज से देखा जाए और एटमॉस्फेयर के लिहाज से देखा जाए तो विलेज लाइफ बेस्ट है। और ये भी इंजीनियर है, इसे आम बंदा मत कंसीडर करे। ये यार जरा मुझे छोड़ो, तारीफ करनी है, लाइव होस्टिंग शुरू है भाई, इसे हम बंदा ना कंसीडर करें। ये भी एक अपनी जगह पे जो है ना बहुत ही हुनरमंद बंदा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको पता लग जाएगा जब भी ये मेरे साथ मिलेगा। आसिफ भाई आल्सो गुड प्लेयर इन द CCTV कैमरा। तो जनाब मैं कहूँगा कि विलेज लाइफ और सिटी लाइफ दोनों बेस्ट है, लेकिन सिटी में यह है कि आपको हर एक चीज इजी से मिल जाती है और विलेज में यह चीज़ नहीं है। शेखुद्दीन भाई सही कह रहा हूँ जी, बिल्कुल विलेज में इजी से नहीं मिलती, विलेज में चीज़ें इजी मिल जाती हैं। जी जी, क्या मिलता है इधर? अभी हमने केले लिए उधर 30 रुपए जो होते दर्जन थे, इधर 50 के थे, कितनी महंगाई है एक विलेज में यार। यार वो तो है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है ना, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, फूड जो है ना, लोग समझते हैं कि यहाँ पे जो है ना इतना एक्सपेंसिव नहीं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेंसिव है सिटी के नस्बत, ठीक है ना? मेरी तरफ देखो यार, हर टाइम में बिजी, मोबाइल में बिजी होते हैं, ऐसा कौन है इस मोबाइल में आपका कि आप हर टाइम बिजी होते हो? मैं तो इसलिए बिजी होता हूँ भाई, मैं तो अपनी वीडियोस बनाता हूँ, हम तो फालतू लोग नहीं है, देखो अच्छे अच्छे काम करते हैं, लोगों को एंटरटेन करना हमारा काम है। मतलब क्या है कि हम फालतू हैं? ये कौन से जमाने के एरोप्लेन आप ले आए? वो शाला यार, इधर देखे यार, ये 1965 के जंग में जब हम लोग, खैर मैं तो नहीं था लेकिन
हसीब उस जमाने का है, तो हमने ये एयर करके रीन्यू करके तो यूज़ करेंगे अभी आने वाली जंगों में, ठीक है। और ये इसके मिसाइल है अंदर, किधर गया मिसाइल यार इसका, वो मिसाइल लगता है हसीब ने चोर बाजार में बेच दिया। ये तो टूट गया यार भाई, ये बहुत नाजुक होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। खैर है यार इसे फिर से ये अजीब रखते नीचे, ये इधर लगे। ये जितने एरोप्लेन थे ना, ये हमारा जो वकास फ्रेंड है ना उसने बनाए हैं, ठीक है। कॉलेज के टाइम में ये उसका प्रोजेक्ट भी था। खैर अभी तो वो कॉलेज में, वो किधर, वो सही वाला, ये वकास भाई ने ये वाला बनाया है। वकास भाई ये वाला अभी काम करता है या नहीं, इसमें कौन सा वाला काम कर रहा है अभी, सही कौन सा है? एक वाला भी काम नहीं, ये भी हम जाएं स्टैंड पे फ्लाइंग करेंगे, इसकी फ्लाइंग आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, तो इसे उड़ाने के लिए आए थे, दिखाने के लिए, तो ये तो हमने उड़ाना था यार, ये एक भी काम नहीं करा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तो हम उड़ाने के लिए आए थे, आप हमें सिर्फ जस्ट दिखा रहे हो। ये देखो, अच्छा नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो इससे इसके फ्लाइंग भी हम चेक करेंगे। हाँ कहाँ है सिपुद्दीन भाई, ये भी हम आ गए मस्जिद में। यार किसने कहा है कि गांव में जो है ना मस्जिद नहीं है, कितनी प्यारी मस्जिद है यार सिपुद्दीन, उसमें कहाँ है। चलो चलो आते जाओ, तुमने जमा पढ़ानी है हमारी। पता नहीं मस्जिद में बंदा बातें नहीं करता यार, उठ जाओ यार, आ जाओ यार। चलो जनाब चलते हैं यार, बस